अब हम दा के प्रयोग आगे के नियम पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ग्रंथों के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे गीता, वेद, महाभारत, बाइबल, कुरान। ये हमारे भारत के बड़े ग्रंथ हैं, अर्थात बड़े ग्रंथों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। सातवां रूल से आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में एक हो उसके नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द अर्थ, पृथ्वी, द सन, द मून, द स्काई आकाश, द ईस्ट अन पूर्व, द वेस्ट अन पश्चिम, द एयर अन हवा और द इक्वेटर। अर्थात जो पृथ्वी में एक हो, अर्थात दुनिया में एक हो, या आकाशीय पिंडों की बात हो, या जब हम दिशा की बात करें तब हम वहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ही वन अन स्वर्ग, हेल अन नर्क, गॉड अन ईश्वर तथा पार्लियामेंट आदि शब्दों के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये काल्पनिक माने जाते हैं। समाचार पत्रों के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, कोई भी समाचार पत्र हो उसके नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, इसी प्रकार ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों, प्लेस, घटनाओं, इवेंट्स के नामों के से पहले दा का प्रयोग होता है। अर्थात जो इतिहास से संबंधित हैं, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो स्थान हो, या इतिहास से संबंधित घटना हो, के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे देखें, द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द पिरामिड्स। पिरामिड्स होते हैं जो आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं। द काबा, द गांधी मैदान, द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। तो हम इसमें देखते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ये इतिहास से संबंधित हैं, अर्थात ऐतिहासिक हैं, इसलिए इनके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे देखिए अपन यहाँ पे आई कैन प्ले द पियानो, हम पियानो बजा सकते हैं। सी कैन नॉट प्ले द गिटार, वह गिटार को नहीं बजा सकती। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी संगीत के जो औजार होते हैं का प्रयोग काउंटेबल नाउंस के रूप में होने पर, अर्थात जब हमको गिन सकते हैं या बोध कराना हो संख्या का, तो इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है, दा का नहीं। जैसे ही हैज व्हाट अ हारमोनियम, अर्थात उसने एक हारमोनियम खरीदा। दे गेव हिम अ गिटार, उसने एक उसको गिटार दिया। अब आगे के नियम अगले पार्ट में होंगे। यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हो आर्टिकल तो लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, इससे यह ज्ञात होता है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है।